पठानवाड़ी बुरे गाँव में ठहरे पठानवाड़ी का ये हालत है। ऑफिस में लेट हो गया निकलने में, इसलिए सिचुएशन आज घर पहुंचने में काफ़ी लेट हो जाएगा, रात हो जाएगी। ट्रक का हॉर्न नहीं सही रहता है। और भाई सवारी नहीं मिली YouTube चैनल। शाम को 7:30 बज चुके हैं और अगर ऑफिस में बहुत सारा काम था तो लेट हो गया ऑफिस से निकलने में। भूख इतना लगी कि थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहा है, घर कब पहुंचूंगा पता नहीं। डस्ट नॉइज गाड़ियों की आवाज, गाड़ियाँ ऐसी आ रही हैं जिससे सर एकदम आप ऊपर चढ़ जाएंगे। कंटिन्यू ध्यान से चलना पड़ रहा है, अंधेरा होने वाला है। आज काफ़ी लेट हो गया यार, बहुत लेट हो गया। गाड़ी कैसे आ रही है, बिल्कुल पास से गुजर रही है, बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ रहा है मुझे। इस रोड पे अकेला ही मैं ही एक वॉक करने वाला रहता हूँ, कोई नहीं दिख रहा है। सामने ऐसा टर्न आ रहा है कि उधर गाड़ी आ रही पता भी नहीं चलेगा, बहुत ही डेंजरस टर्न है। सूपर सी गाड़ी आ रही, बहुत एकदम पास में, एकदम नज़रें टिका के रखना है गाड़ीधारी, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। वहाँ से जो गाड़ियाँ आ रही उनको भी पता नहीं है, थोड़ा भी जगह नहीं है कि आप चल सकें। मुझे भागना पड़ा, थोड़ा जगह देख के भाग रही है। मैं ये पत्थर के ऊपर से चल रहा हूँ फिलहाल तो, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टर्न। हो सकता है ठाक से मार सकता है, बहुत ही डेंजरस टर्न है भाई। एक और डेंजरस टर्न आया यार, एक तो पार का 80 20 मिनट भेजी ट्रेन, यहाँ थोड़ा दिख रहा है सामने, लेकिन आगे लाइट ही लाइट दिख रही गाड़ियों के सिर्फ आंखों में चमक रहा है। ओहो तेरी तो वेरी डिफिकल्ट टू वॉक हियर यार, बड़ी गाड़ी आ रही छोटी गाड़ी आ रही सामने आने के बाद पता चल रहा है। मेरी नज़रें बिल्कुल सामने है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो रही है, थोड़ा सा भी इधर उधर हाथ हुआ ना तो इससे वेरी डिफिकल्ट डेंजरस हो जाएगा सिचुएशन। और यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत स्पीड में है भाई, बहुत ज़्यादा स्पीड है, लिमिट क्रॉस। एक जंगल है, जंगल और हाईवे टर्न, बहुत अंधेरा, मतलब काफ़ी अंधेरा हो चुका तो वीडियो में दिख भी नहीं रहा हूँ मैं ज़्यादा, लेकिन अब ये समझ लो कि बहुत मुश्किल में वॉक कर रहा हूँ। फाइनली कोई बंदर आ गए, यहाँ पे टेंशन, यहाँ डर नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चहल पहल है। मेरे सामने होटल शेल्टर और सामने देखो बिल्कुल दिख रहा है एक्सप्रेस इन, और उसके पीछे फाउंटेन होटल गोलबंदर रोड का। और सामने वो बस के लिए कितने लोग वेट कर रहे हैं, वहाँ गेटिंग पर बस। हमें रिक्शा पकड़ना शेयरिंग जो उस साइड में जाना पड़ेगा, उस साइड में क्रॉस करना इज वेरी डिफिकल्ट, कैसे क्रॉस करते हैं लेट्स सी। हाँ
हाँ मतलब क्रॉस करना भी एक चैलेंज रहता है, ठीक मालूम होना चाहिए था तभी क्रॉस ही नहीं कर पाओगे रोड, क्योंकि कंटिन्यू गाड़ियाँ आती रहती ना। अभी देखो यहाँ से थोड़ी देर में थोड़ी सी कम गाड़ी होगी तो यहाँ से सीधा उस साइड में मुझे सिर्फ जाना है। भागो यहाँ से यार, चालू हो जाएगा तो नहीं कर सकते यार। फाइनली आ गए, चालू हो गए, भागो 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 भागो। रात में वो सही फाइंडर वो सही ग्रीक बीच का नज़ारा ऐसा रहता है नाइट में। और इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और यहाँ पे भी मैं शायद अकेला ही बात करने वाला हूँ वो सही ग्रीक बीच पे अंधेरे में। ये मैंने लाइट जलाया हुआ अपने मोबाइल का तो दिख रहा है नहीं, बहुत अंधेरा था। और हम अभी पहुंचेंगे आई थिंक 10-15 मिनट लगेगा रिक्शे से, उसके बाद वहां से उतर के घर जाने के लिए 5 किलोमीटर। देखते हैं घर पर पहुंचते हैं, इधर ये हाईवे है, देखो हाईवे का नजर छूट गया। अभी वापस मुझे 4.5 किलोमीटर मैंने काउंट किया, 4.5 किलोमीटर मुझे वापस वॉक करके घर पहुंचना है ऐसे सुनसान रास्ते पे। सबके पास गाड़ी है स्कूटी यार, मेरे पास क्यों नहीं है? देखो बहुत तेरी तो पूरा अंधेरा हो गया, थोड़ा आगे सामने घर दिख रहे हैं, मकान लाइट दिख रहे हैं, वहाँ पर लाइट है लेकिन रोड पर लाइट नहीं है। चंडिका देवी मंदिर हम पहुंच गए अभी, मतलब यहाँ जितना आए हैं उससे ज़्यादा अभी जा चल रहा है। इधर देखो रास्ता यार, रोड पे लाइट भी नहीं है, मतलब रोड पे लाइट तो लगाना चाहिए। जू चंद रेलवे फाटक पहुंच चुके हैं नायगांव में और ट्रेन आ रही है, देखो फाटक पे ट्रेन आ रही है, बंद किया है शायद इसके लिए ऐसा कहा, या अभी ओपन किया ट्रेन, शायद अभी गई तो अभी ओपन किया। तो सीधा डेढ़ किलोमीटर घर पहुंच जाऊंगा। अभी मार्केट ही मार्केट दिखेगा, ज़्यादा सुनसान नहीं दिखने वाला, थोड़ा सा आगे है बस, ज़्यादा नहीं। अब जाके पहुँचाऊँ घर, अभी टाइम हो रहा है 9:30, 9:30 बज रहा है, 2 मिनट और वॉक करना मतलब ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ मैं। और आगे इतना ज़्यादा प्यास लग जाती मुझे ना, नहीं पानी पियो ना तो अब चक्कर खा के गिर जाओगे। फाइनली घर पहुँच गया और अभी स्टेयर चढ़ रहा हूँ, लिफ्ट है फिर भी स्टेयर से चलता हूँ और मेरा पूरा स्वेटिंग हो चुका है, पूरा भीग चुका हूँ स्वेटिंग से पसीने से। बाय बाय गाइस, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।